हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इज सृष्टि हियर एंड यू वाचिंग सृष्टिज डायरी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज मैं आप लोगों का वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ, सनस्क्रीन फॉर ऑयली स्किन। आप लोग में से बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम अच्छा सनस्क्रीन का एक कलेक्शन बताओ और जो ऑयली स्किन वालों के लिए अच्छा हो। गाइज, मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं सनस्क्रीन ऑयली स्किन वालों के लिए बता रही हूँ, बट कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ इसमें से एक दो सनस्क्रीन ऐसे हैं जिनको मैं बताऊँगी कि वो सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सनस्क्रीन के तीन कैटेगरीज होते हैं, फर्स्ट फिजिकल होता है, दूसरा केमिकल होता है एंड तीसरा हाइब्रिड सनस्क्रीन होता है। मैं आप लोगों को फटाफट से बता देती हूँ। वैसे तो आप लोग अगर मेरे को फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा फिजिकल सनस्क्रीन में जिसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, फिजिकल सनस्क्रीन जो होता है वो थोड़ा सा टेक्सचर वाइज थोड़ा हैवी होता है और वो हमारे फेस पे या हमारे स्किन में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो एक फिल्म क्रिएट करके रखता है जो हमें UVA UVB रेडिएशन से बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। और ऐसा बोलते हैं सेंसिटिव स्किन वालों को फिजिकल सनस्क्रीन ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा और इफेक्टिव होता है। दूसरा होता है केमिकल सनस्क्रीन जिसमें केमिकल फिल्टर्स यूज़ किए होते हैं लाइक ऑक्सीबेंजोन और बहुत सारे केमिकल फिल्टर्स होते हैं और आजकल तो बहुत सारे नए नए केमिकल फिल्टर्स भी आ गए हैं मार्केट में जो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि जिनका सेंसिटिव स्किन है या फिर जिनको बहुत ज़्यादा एक्ने है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है स्किन में, उनको केमिकल सनस्क्रीन ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। आपको जो भी सनस्क्रीन सूट करता है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। स्किन केयर में सनस्क्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें आपको ट्राई करना होता है, टेस्ट करना होता है, अप्लाई करना होता है और पता करना होता है कि कौन सा आपकी स्किन के लिए अच्छा है। और अगर आप एक बेस्ट सनस्क्रीन अगर पा जाते हैं जो आपकी स्किन के लिए अच्छा है, अफोर्डेबल है, जिसको आप कंटिन्यूसली खरीद सकते हैं, तो फिर आपको चेंज नहीं करना चाहिए, आपको वही यूज़ करना चाहिए कंटिन्यूसली, आपको चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि इंडिया में वैसे ही बहुत अच्छे सनस्क्रीन अवेलेबल नहीं है, बहुत अच्छे बहुत अफोर्डेबल सनस्क्रीन अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी मुझे जो ईजिली अवेलेबल मिला है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। फर्स्ट चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल सनस्क्रीन का, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करना और करंटली जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो रिक्विल का टिंटेड सनस्क्रीन है और ये फिजिकल 100% फिजिकल सनस्क्रीन है। इसमें कोई भी केमिकल फिल्टर्स यूज़ नहीं किया गया है, इसमें 25% जिंक यूज़ किया गया है, विच मीन्स वो आपके स्किन को बहुत अच्छे से UVA UVB रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगा, इनफैक्ट IR रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करेगा। उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो IR रेडिएशन से भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। फिजिकल सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा हैवी वाइट कास्ट देता है बिकॉज ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड वाइट कलर का एक पाउडर होता है जो हमारे स्किन पे अब्जॉर्व नहीं होता है, वो बिल्कुल एक फिल्म जैसा क्रिएट करता है, वाइट कलर का वाइट कास्ट होता है, जिस वजह से बहुत लोग प्रेफर नहीं करते हैं लगाना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा आप सन में निकल रहे हो तो आपको फिजिकल सनस्क्रीन ही लगाना चाहिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को। और मैटर यहाँ पे ये करता है कि वो स्किन को ज़्यादा, कौन सा सनस्क्रीन आपकी स्किन को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन है फिजिकल सनस्क्रीन का फ्रेग्रेंस फ्री लाशिल फिजिको सनस्क्रीन। ये एक सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन है, 100% फिजिकल है और आई गेस मैंने अपने बहुत सारे ऑयली स्किन वालों को सजेस्ट भी किया, कुछ लोगों को सूट किया है, कुछ लोगों को सूट नहीं किया है। सो इट्स अप टू यू गाइस, आपका स्किन कैसा है, आपको ट्राई करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा एंड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि कौन सा सनस्क्रीन आपको सूट कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। बट इन्ग्रीडियंट्स वाइज इट्स कम्प्लीटली सेफ, इट्स ब्यूटिफुल प्रोडक्ट गाइस। अगर आपको अगर कहीं डिस्काउंट पर मिलता है तो आप ट्राई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है सनक्रॉस का सनस्क्रीन। सनक्रॉस का सनस्क्रीन भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है और डेली यूज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक सिलिकॉन बेस्ड है, बेसिकली बहुत सिमिलर है आपका लाशिल फिजिको के, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि सनक्रॉस बेटर सनस्क्रीन है देन लाशिल फिजिको। दोनों ही फ्रेग्रेंस फ्री हैं, दोनों ही 100% फिजिकल सनस्क्रीन है और सिलिकॉन बेस्ड है। सो आपको अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा ड्यूवी फिनिश देगा, वाइट कास्ट होता है। मैंने फिजिको का फुल रिव्यू कर रखा है, मैं लिंक डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा वाइट कास्ट देता है। मैंने रिक्विल का टिंटेड का भी फुल रिव्यू कर रखा है। मैंने जो भी
सनस्क्रीन अप्लाई कर रखे हैं उसका मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा उसके रिव्यूज़। मैंने इस अपने इस वीडियो में ट्राई किया है कि मैं फ्रेग्रेंस फ्री सनस्क्रीन आप लोगों को बताऊं, क्योंकि पूरे दिन अगर आप फ्रेग्रेंस अप्लाई करते हैं तो सेंसिटिव इरिटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड में मैं आपको एक दो अच्छा फ्रेग्रेंस वाला सनस्क्रीन भी बताऊंगी जो मैंने खुद भी अप्लाई कर रखा है और वो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल पे। केमिकल सनस्क्रीन्स में मुझे एक अच्छा लगता है बेलो फोटो स्टेबल, जो बहुत ही ईजिली है, शायद 400-450 रुपए का आता है अगर आप डिस्काउंट में परचेस करते हैं, बहुत लंबा चलता है, 80 ग्राम का पैकेजिंग है और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सारे ही एडवांस्ड केमिकल फिल्टर्स यूज़ किए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छा होता है। इनफैक्ट मेरे कुछ ऑयली स्किन सब्सक्राइबर्स ने मुझे खुद ही सजेस्ट किया था कि आप ये सनस्क्रीन ट्राई करो। नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाता है हाइब्रिड सनस्क्रीन। हाइब्रिड सनस्क्रीन में होता है जिसमें फिजिकल और केमिकल का जो इन्ग्रीडियंट्स है दोनों मिक्स हो, लाइक केमिकल फिल्टर्स भी हों और फिजिकल फिल्टर्स भी हों। उसमें अभी रिसेंटली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने काफ़ी लोगों का रिव्यू देखा है, अर्थ रिदम का जो नया वाला सनस्क्रीन आया है उसका नाम है अर्थ रिदम हाइब्रिड फ्लूइड अल्ट्रा डिफेंस मिनरल सन। वो भी काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है, हाइब्रिड है, मतलब आपको काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देगा, उसमें जिंक ऑक्साइड भी है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है और अदर फिल्टर्स भी, केमिकल फिल्टर्स भी यूज़ किए गए हैं। सो अगर आपको हाइब्रिड सनस्क्रीन देखना है तो आप ये देख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू फ्रेग्रेंस वाला सनस्क्रीन। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है रिक्विल का ब्लू वाला सनस्क्रीन, ये भी काफ़ी अच्छा है। एक बस इसमें माइनस पॉइंट ये लगता है मुझे कि इसमें फ्रेग्रेंस यूज़ किया गया है जो कि लास्ट इंग्रेडिएंट है और बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और बहुत सारे ऑयली स्किन वाले इसको अप्लाई करते हैं और उनको काफ़ी अच्छा लगता है। सो अगर आपको इनमें से कोई भी सही नहीं लग रहा है तो आप रिक्विल के ब्लू वाला सनस्क्रीन को भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो काफ़ी अफोर्डेबल है और मैंने काफ़ी बार अप्लाई किया हुआ है, जॉय का सनस्क्रीन। गाइज आई नो कि जॉय में बहुत सारा फ्रेग्रेंस होता है, बहुत सारा अच्छे इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं, बट मैंने खुद भी अप्लाई कर रखा है। जॉय का सनस्क्रीन मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो ऑलमोस्ट डेली सनस्क्रीन अप्लाई करते होंगे और दो 400-500-600 रुपए के लिए, 600 रुपए मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कॉस्टली लगता होगा क्योंकि एक सनस्क्रीन अगर आप डेली अप्लाई करते हैं तो 20 से 25 दिन चलता है, तो आप अगर जॉय का सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे तो 200-250 रुपए का आपको मिलेगा, काफ़ी अफोर्डेबल होगा, बजट फ्रेंडली होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, देन आप जॉय का सनस्क्रीन यूज़ करिए, लेकिन ज़रूर यूज़ करिए। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपको सनस्क्रीन महंगा पड़ा है तो आप खरीदेंगे ही नहीं, आप कोई सस्ता भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, बस आपकी स्किन को सूट करना चाहिए। बट मुझे जो अच्छा लगा ऑप्शन मैं डाल दूंगी। नेक्स्ट अगर मुझे कुछ और अच्छे वीडियो ऑप्शन मिलते हैं तो मैं उनका भी वीडियो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।